आचार्य बालकृष्ण जी जिन्होंने पूरे दुनिया में मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, और आयुर्वेद जो मृत प्राय हो गया था उसको पुनर्जीवित किया है, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से भी निवेदन है। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर परम श्रद्धेय वंदनीय विविध अखाड़ों से जुड़े हुए सभी पूज्य संतगण, सबके चरणों में वंदन और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति सनातन जो वैदिक परंपरा है, उस परंपरा के एक आदर्श पुरुष थे। हमारी जो सनातन विधाएं हैं, उन विधाओं को पूरी दुनिया में पहुंचाने का जो अभियान, जो कार्य स्वामी विवेकानंद से प्रारंभ हुआ, उस कार्य को श्रद्धेय स्वामी राम जी ने एक नया आयाम दिया, और उस परंपरा में परम श्रद्धेय वंदनीय महामंडलेश्वर वेद भारती जी महाराज ने बहुत आगे पहुंचाया। वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विविध भाषाविद, अत्यंत विद्वान पुरुष, महापुरुष थे। आज भारतीय सनातन परंपरा की बात आती है तो हमको कभी कभी लगता है कि हमारी सीमाएं वह बहुत छोटी हैं, पर वो सीमाओं को देश से बाहर पूरी दुनिया में पहुंचाने का कार्य जिन महापुरुषों ने किया, उनमें से हम सदैव श्रद्धेय स्वामी जी के ऋणी रहेंगे। पूरा सनातन हिंदू समाज, पूरा भारतवर्ष भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, उनके कार्य के लिए, उनकी तप और साधना के लिए, क्योंकि जितने वह विद्वान थे, जितने वह सरस्वती के उपासक थे, उससे कहीं आगे वह तपस्वी थे, बहुत एक साधक थे। अपने गुरुदेव के नाम पर यह साधक ग्राम में उन्होंने रह करके वर्षों साधना की। पतंजलि योगपीठ परिवार से भी उनका बहुत लगाव था। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी भी यहाँ पर भी कई बार आकर के उनसे मिलते थे, उनका मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त किया। जब भी हम उनको आमंत्रित करते थे, सहर्ष वह स्वीकृति देते थे। तो इस तरह से एक साधक ग्राम से और पतंजलि से एक आत्मीय और आध्यात्मिक रिश्ता बना रहा। आज वो हमारे बीच में नहीं है। यह हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में हम जानते हैं, देह नाशवान है परंतु आत्मा अजर अमर है। तो वह पुण्य आत्मा परमात्मा के चरण में, परमात्मा की व्यवस्था से एक उच्च स्थान पर वह निश्चित रूप से उस स्थान को प्राप्त करेंगे। पर क्योंकि पीछे से हम सबको हृदय में कहीं ना कहीं पीड़ा है, तो सनातन संस्कृति हमको यही सिखाती है, यह देह तो वस्त्रवत है, वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको बदला जाता है। तो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से बहुत उच्च स्थान पर वह विराजमान है। तो आज इस श्रद्धांजलि के इस अवसर पर पूरे पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों हमारे भाई बहन कार्यकर्ता और पूरे पतंजलि योगपीठ के परिवार की ओर से भी मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सभी हमको इस बात के लिए भी कम से कम हमको प्रसन्नता है कि श्रद्धेय स्वामी राम जी के अभियान को चलाने के लिए जहाँ जो श्री राम स्वामी राम हिमालय जो विश्वविद्यालय है, हमारे परमप्रिय आत्मीय भाई दसमाना जी, उनकी पूरी टीम जहाँ लगी हुई है, वहीं इस साधक साधना और आध्यात्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी ऋतवान जी, आज उनके दर्शन मैंने पहली बार किए, आप इधर लगे हैं। तो यह अभियान, यह मिशन जो दो तपस्वियों के द्वारा, दो पूज्य संतों के द्वारा रोपा गया यह पौधा, आज एक वृक्ष का रूप ले रहा है, यह और आगे बढ़ेगा।
हम सब साथ हैं और आप सब भी, क्योंकि जितने भी विशेष कर करके जो संत हैं उनको तो जन्म मृत्यु का बहुत पता होता है, जो गृहस्थ में है उनको कभी कभी ज्यादा पीड़ा होती है, पर देह के धर्म को, आत्मा की अमरता को हम समझें, समझ करके इस बिछुड़न को, गुरुदेव आपके बीच में नहीं है तो उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अपने पूरे जीवन में महसूस करते हुए हम जीवन में जो उनका स्वप्न था, जो उनका संकल्प था, उसको पूर्ण करने का आज हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ें, तो उनकी प्रतीति, उनकी उपस्थिति और उनका आशीर्वाद हम हर क्षण महसूस कर सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः पूज्य चरणों में, उनके चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि भावभीनी अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम शांति शांति शांति। निवेदन करूंगा जो स्वामी जी के परम शिष्य थे हैं, जो पदम श्री राय राम बहादुर राय ब्रह्मलीन स्वामी वेद भारती के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। एक पुस्तक के लोकार्पण में पहली बार स्वामी जी को देखने और सुनने का मुझे मौका मिला। मैंने महसूस किया कि यह व्यक्ति जितना विद्वान है उतना ही ऊंचा साधक भी है। मैंने पाया और हमने अनुभव भी किया है कि ऊंचे साधक तो होते हैं बहुत लोग, लेकिन कई बार अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। स्वामी जी में ये दोनों बातें थी कि अगर दुनिया को आप सिर्फ दो शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो वे दो शब्द हैं सांख्य और योग। सांख्य यानी ज्ञान और योग यानी कर्म। ब्रह्मलीन स्वामी वेद भारती ज्ञान और योग के शिखर पुरुष थे। मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम स्वामी देवात्मानंद जी महाराज पूज्य महाराज से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि एवं उपस्थित भक्तों को शुभकामना देने की कृपा करेंगे। दिस प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म हैज बीन स्प्रेड थ्रूआउट द वर्ल्ड बाय ग्रेट मेन Like the Swamiji, he has combined the thoughts of the world into the pristine, glorious idea of our Sanatana Dharma. Let us all hope that our country, our Mahabharat, our pristine glory will fly high in the world because of the great men like Swamiji, who has combined the East and the West, who has spread the message of our glorious Sanatana Dharma, which will never last, which will never be lost, but it will be everlasting principle, because it is based on Vedanta. So let us all hope that our country will fly forward, go forward in spreading the message of Sanatana Dharma. With that, great Swamijis like that have contributed a lot, and let us all pray to the Swamijis to give us the strength and ability to spread the message which he has started. Let us continue it with vigor and vitality. Om Tat Sat. Hari Om. अब मैं निवेदन करूंगा श्री इंद्र उदयन जी जो इंडोनेशिया से पधारे हैं। स्वामी जी लव बाली वेरी मच, बट एवर वी कम हियर स्वामी जी स्पीच about Bali more than us. We came before with 12 scholars from Bali. They are all professors. Then Swami Veda Bhartiji was explained all Bali from when the Markandeya Muni came
and how the Hinduism preserved in Bali, and how the bridge should be started between us, between India and Bali or Indonesia now. That is always remind me and love to Swami Vedayabhakti Ji. 3 days before Swamiji passed away, before Swamiji Mahasamadhi, Swamiji sent message, then Swamiji need the book on Sutasoma. I was very difficult actually find that book. In a day, we received the book in form from Indonesia, we received the book, then in a day also Swamiji Mahasamadhi. That is really message for us to start the bridge between Indonesia, between Bali and India, and through Swami Vedabharti, we want still the young generation start make a bridge between us. Then thanks to all, thanks to the old Mahatma Pranam, congratulations Swami Ritawan to lead the organization, and please make a bridge between Bali and India. Pranam Swamiji. हम सब के बीच में ऋषि के सही श्री जगदानंद दास जी महाराज पधारे हैं. स्वामी जी समस्त धर्म निरपेक्ष था. स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था कि आत्मज्ञान से समस्त जगत का अशांति दूर हो जा सकती है. स्वामी जी का दृढ़ विश्वास है जब जब वो ध्यान लोगों को ध्यान में साक्षात आत्मदर्शन के प्रवेश करने के प्रचेष्टा करता. स्वामी जी जब ध्यान का ध्यान का अभियान लीडिंग मेडिटेशन जब लोगों को ध्यान में लाने चाहते थे तब हर समय वो कहते आकर ईश्वर ईसाई धर्म का मंत्र हो आपके मुसलमान मंत्र हो सिख मंत्र हो आप जो भी मंत्र हो जो सांप्रदायिक मंत्र हो जो जो जिस जिस किसी परंपरा से जो मंत्र मिल गए आपको वही मंत्र पे ध्यान करो यही वो आपका आलंबन होगा. श्रद्धेय ऋतुवान भारती जी महाराज जिनको आप सबके द्वारा आज समस्त संस्थानों के जिम्मेदारी दी जाएगी उनके प्रति शुभकामना तथा भक्तों को आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे मंडलेश्वर जी महाराज. श्रद्धेय स्वामी राम के पावन चरणों में हमारी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि है और उनके आत्मपुत्र ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी वेद भारती जी महाराज उनके प्रति भी भावांजलि समर्पित है. आप सब उनके आश्रित शिष्यों को आत्मबल मिले और इस संस्था को इस मिशन को उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाने में आप सहभागी बने और इतना बड़ा दायित्व जो हमारे स्वामी ऋतुवान भारती जी महाराज के ऊपर आ पड़ा है ये बहुत ही अच्छी बात है कि पिछले 50 वर्षों से उन्होंने इन्हें प्रशिक्षित किया साधना क्षेत्र में भी और दायित्व को संभालने के लिए हमारी शुभकामना है. हम इस सभी संतों की शुभकामना है कि आपके कंधे पर जो भार मिला है उसको आप सहन करते हुए आगे बढ़ाएं. इस संस्था को हम लोग आपके साथ हैं. आपके लिए एक बात बताऊं कि जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था लेकिन उनके जो ग्वाल बाल थे साथ गाय चराने वाले उन्होंने भी अपनी अपनी सहयोग की लकड़ी लगा रखी थी. आज उसकी फिर जरूरत है ऋतुमान जी के ऊपर. अगर ऋतुमान जी ने इस संस्था रूपी पर्वत को उठाया है तो आप सब प्रेमी भक्त यहाँ के श्रद्धालु अपने अपने सहयोग की लकड़ी जरूर लगाएं ताकि यह संस्था फलित फलित और अपने उद्देश्य में अग्रसर रहे. ओम शांति शांति. मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय जी से कि आज के इस पावन कार्यक्रम को संबोधित करने की कृपा करेंगे. पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ साथ दूर देश से आए भक्तों के प्रति एकाध सूत्र अपने जीवन का आप देने की कृपा करेंगे ताकि ये जाएं तो इस मंच से याद करके जाएं कि हमें वहां से भी कुछ मिला है. आज के इस सभा का आयोजन श्रद्धांजलि के रूप में है. एट दिस वेरी आउटसेट
when we have all gathered to offer our homage to Mahamandaleshwar Swami Vedabharati ji, I would like to offer my respect also to one of the bright stars of the firmament of Indian history, who just happened to pass away yesterday, Dr. APJ Kalam, ex-president of India. Let me tell you that this bond of Guru and Shishya, the teacher and the disciple, is extremely pious. There happens to be no other relationship about this particular relationship. We have all known that the relationships are bound to change, but the one which remains even overpowering time is the bond of teacher and disciple. It is the teacher who travels along with him even through the time, through various births, till one has achieved the liberation. Separation exists only in the realm of duality, in the realm of time and space. As there would be separation and the pangs of separation, as long as the beloved Guru is seen as a limited entity, as a movement in time and space. But I must tell you that this teacher, Guru, is not a movement in time and space. You may happen to see him as a person, but there is much behind just the person. Person happens to be only a mask, and behind the mask is hidden the infinite, that whom, for whom one has been aspiring, wanting, searching and seeking. This is how I found Swami Vedabharati ji. Param Pujya Paramadaniya Rituan Bharati ji Maharaj se ki 2 minute ke andar aap aaye hue bhakton ko shubh aashirwad evam apne gurudev ke prati hardik shraddhanjali dene ki kripa karenge Rituan Bharati ji Maharaj. Pujya Swami Satya Mitra Anand said that he had come to seek solace. And for each of you, you have arrived at this oasis of peace. That peace that's echoed in every blade of grass, every flower, every leaf, by which the Guru's presence and by which Swami Veda's presence continues. Yet you all know he would say, are you sitting with your head, neck and trunk straight? He would say, how is your breath reflecting your dissipated mind or your pure, clear prasanna mind? And he would guide us with that gentle stream by which the mind, the word, and the breath flow together as a single stream of awareness. And thus, he exemplified that yoga is samadhi around the world for decades upon decades. The science and the art of yoga is reflected in samadhi. Let us remember that as we come again and again to our meditation seat, as we come again and again to that inner sanctum of our heart cave, where there is truly solace in that prasanna mind, that samadhi mind, in which
Atman remains. As that light, Dhimahi Dhiyo Yona. And slowly we become those liberators by which Mrityor Mukshya. Let us know that moksha. Eva bharala bharala ma bharala bharala bharala